कनिष्का, तू कहाँ जा रही है? ऑफिसों में बर्तन धोने का नया काम शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो मॉडलिंग के लिए आई हूँ। क्या कहा तूने? मॉडलिंग और तू, अब ये कब से शुरू कर दिया तूने? हाँ यार, मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे मॉडल बनना है। अब ग्रेजुएशन के बाद ट्राई कर रही हूँ। मैडम क्या ट्राई कर रही हूँ? मत ट्राई कर, क्योंकि तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? तूने कभी खुद को शीशे में भी देखा है? मतलब समझी नहीं मैं। मतलब ये तेरे बस की बात नहीं है मॉडलिंग, जाके कोई दूसरा काम कर। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों को तो मुझे गाइड करना चाहिए। वैसे भी हम लोग तो स्कूल मेट है ना। बेवकूफ, हम तुझे गाइड ही कर रहे हैं। गाइड? लेकिन कैसे? ऐसे कि अगर तू इस प्रोफेशन में आ गई ना, तो बाकी सब मॉडलिंग छोड़ के चले जाएंगे, तो तू इस प्रोफेशन से दूर ही रह। हद है यार, अगर तुम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो। ओ हेलो, हमें मत समझा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वैसे भी बहुत बड़े मॉडल्स हैं। तूने शक्ल देखी है अपनी? इसकी मम्मी क्या करती है? अरे स्कूल में पढ़ाती है यार। स्कूल में पढ़ाती है? मतलब थोड़ा बहुत ही कमाती होगी। तुझे पता भी है मॉडलिंग के लिए कितने पैसे लगते हैं? तेरा घर बिक जाएगा इसमें। जितना तेरी मम्मी पूरे साल में कमाती है ना, उतना हमारे एक शो में चला जाता है। जितनी औकात होती है ना, उतने ही सपने देखने चाहिए। तो तू ये सपना भूल जा, समझ आई बात? तुझे जानते तभी प्यार से समझा रहे, वरना अभी तक धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता तुझे। तू भी ना अपनी मम्मी की तरह LKG और UKG वाले बच्चों को ही पढ़ा और कम पैसों में गुजारा कर। मॉडलिंग तो तेरे और तेरे खानदान के बस की बात नहीं। इतना लेक्चर काफी है और बाकी है? बड़ी बदतमीज है तू। इतना सुना लिया, इतना जलील कर लिया, तब भी यहाँ पे खड़ी हुई है? इतने में तो कोई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जा यहाँ से। अरे देखना है किसकी पिक्चर से? यार ऐसे मत करो प्लीज। देख देख, इस गवार ने फोटोशूट भी करा लिया। अरे वाह, कितनी गवार लग रही है ये। हमने तो पहले ही बोला था ये इसी लायक है। यार प्लीज मेरी पिक्चर वापस कर दो। हाँ हाँ दे देंगे, ये ले अपने पिक्चर्स। अब दोबारा इस बिल्डिंग के बाहर मत दिख जाना। और सुन, तेरी औकात यही है और यही रहेगी। निकल यहाँ से। अरे तूने न्यूज देखी? कौन सी न्यूज? अरे वो अपने बचपन की फ्रेंड नहीं थी कनिष्का? यार वो नेशनल मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। कौन फ्रेंड? या मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे जिसकी हमने इंसल्ट की थी, याद आया? नहीं यार, जिसको मॉडल बनना था और हमने उसकी सारी फोटोज फाड़ दी थी। अच्छा वो चंपू? लेकिन वो कैसे जीत सकती है मॉडलिंग कॉम्पिटिशन? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। इम्पॉसिबल नहीं है, तू ये देख। यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सुन एक काम करते हैं ना, इसके पास चलते हैं और इसे बोलते हैं अपने ऑफिस में जॉब दे दे। यार लेकिन ये हमारी बात सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी यार, अपने बचपन की फ्रेंड है। चल चल जल्दी से रेडी हो जा। तुम दोनों यहाँ? अरे कनिष्का तूने हमें पहचाना नहीं? हम तेरे स्कूल के फ्रेंड है यार, तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ मैं। कंग्रेचुलेशन यार, हमें पहले से ही पता था तू आगे जाके बहुत बड़ी मॉडल बनेगी। बड़ी मॉडल तो बननी ही थी यार, हमारी जो फ्रेंड है। और यार हमने तेरा हमेशा से साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। वैसे यार हमने सुना कि तूने इस कंपनी को खरीद लिया है, अब हम तेरे स्कूल के फ्रेंड से, तो तुझे हमारे लिए काम करना पड़ेगा यार, हमारी जॉब लगवा दे। तू पागल है क्या? इसमें कहने की क्या बात है, कनिष्का हमारी फ्रेंड है, हमारे बिना कहे हमें मैनेजर की पोस्ट दे देगी, है ना कनिष्का? अच्छे फ्रेंड्स इसी काम तो आते हैं। सही का, फ्रेंड्स होने का तो यही फायदा है। लेकिन तुम दोनों तो मुझसे कहा था कि हम कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। यार वो तो बस मजाक था। यार तू उस बात को भूल जाना। पहले तो ये तू करके बोलना बंद करो और ढंग से बात करो। अपने घर में नहीं बैठी हो कि जो मन चाह रहा है वो बोल रही हो। सॉरी मैम। तुम दोनों को पता है तुम दोनों असल में क्या हो? तुम असल में क्रिकेट हो। और ये तो पता ही होगा ना कि क्रिकेट क्या करता है, क्रिकेट अपना रंग बदलता रहता है। और तुम दोनों भी ऐसी हो, तुम दोनों का जहाँ फायदा दिखता है तुम वहाँ दोस्ती करती हो, और जहाँ फायदा नहीं दिखता है वहाँ उनके साथ बुरा बिहेव करती हो, उन्हें नीचा दिखाती हो। नहीं मैम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम तो आपके पक्के दोस्त हैं। बस करो ये ढूंढ, और ये मत सोचना कि ऐसे करने से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। सॉरी मैम। ये मत सोचना कि तुम दोनों ने मेरी इंसल्ट करी थी इस वजह से मैं तुम्हें जॉब नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली में तुम दोनों को जॉब ना देने का रीज़न ये है कि तुम ये जॉब डिजर्व ही नहीं करती हो। तुम जैसी घटिया सोच के लिए इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों के साथ कितना गंदा बिहेवियर रखती हो, उनको नीचा दिखाती हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये संस्कार दिए क्या? बोलो
सॉरी मैम। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपने मतलब से आई थी, और वैसे भी तुम दोनों तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारे अलावा कोई आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, भूल जाओ। भले ही कोई आगे ना बढ़े, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तुम दोनों जैसे नहीं कि लोगों की चापलूसी करते हैं। और तुम दोनों सोच रही होगी ना कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मुझे तो किसी सड़क किनारे में होना चाहिए था। तो तुम्हें याद है वो दिन जब तुम दोनों ने मेरा पोर्टफोलियो फाड़ा था? तो उस दिन मैं डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट हुई थी, मुझे अपने आप पे भरोसा था, और आज उसी भरोसे और मेहनत की वजह से मैं यहाँ हूँ। एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी की मेहनत पर पानी मत फेरना। सॉरी मैम। तुम दोनों बाहर जाती हो या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊँ? और सुनो, तुम दोनों को एक बात बता दूँ, तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस बुरे बिहेवियर की वजह से तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट किया गया। सॉरी मैम। मैम गलती हो गई। नाउ गेट लॉस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप कभी किसी भी बुरे सिचुएशन में यार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप कैसे निकलते हैं। तो कमेंट करके बताइए ताकि और लोग वो कमेंट पढ़ के मोटिवेट हो सके कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए जब भी कुछ नेगेटिविटी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, और कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो ये आपके परिवार के बारे में बताता है कि आपके परिवार ने आपको कैसे संस्कार दिया है। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, हमेशा सबको एक अच्छी रिस्पेक्ट दे, सबके साथ अच्छा रहे, सबकी मदद करे। और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, और आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आप लोगों की स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और बस शेयर कीजिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।